आपका स्वागत है टेक्निकल टीवी में, और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Xiaomi Mi 7 के बारे में। मैं बताऊंगा इसकी प्राइस डिटेल, रिलीज डेट, इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, और जो 100% आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो Xiaomi Mi 7 जो है, ये Xiaomi का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। इसकी कुछ लीक ऑनलाइन आई थी, जिसके अंदर इसके अंदर फीचर, स्पेसिफिकेशन और कुछ डिटेल वहां पर लीक हुई थी, ठीक है। तो ये Xiaomi Mi 7 जो है, ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर की तरफ से अगला स्मार्टफोन होगा फ्लैगशिप, और ये Mi 6 का सक्सेसर होगा। तो बगैर टाइम बर्बाद किए हुए मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो चीज़ कंफर्म हो चुकी है। जो Xiaomi का जो अगला फ्लैगशिप आने वाला है, इसके अंदर आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये OLED डिस्प्ले जो है, ये Samsung मैन्युफैक्चर करेगा। मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ दुनिया में कुछ ही कंपनी है जो OLED डिस्प्ले बनाती है, जिसमें Samsung एक पहला कंपनी है जो कि OLED डिस्प्ले बनाता है। तो जो Xiaomi Mi 7 का जो डिस्प्ले होगा, वो उसे Samsung बना के देगा। इसके अंदर आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, जो कि मॉडर्न डे फ्लैगशिप स्मार्टफोन में होता ही है। तो Xiaomi अपने जब मिड रेंज में फ्लैगशिप जो बेजलेस डिस्प्ले दे रहा है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो अपने फ्लैगशिप में तो देगा ही देगा। अगर हम आगे बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में, तो Mi 7 के अंदर आपको डुअल कैमरा 16 मेगापिक्सल का पीछे मिलेगा। जी हाँ, मैं बता दूं कि पहले जो Mi 6 का, उसके अंदर टेलीफोटो लेंस था, पर Xiaomi ने इस चीज को डिच कर दिया, और इसके अंदर आपको एक सेंसर जो होगा वो मोनोक्रोम सेंसर होगा, और दूसरा जो कैमरा होगा उसके अंदर आपको बेटर लो लाइट इमेजिंग होगा, f1.7 अपर्चर के साथ आएगा, जिसकी वजह से जो अंधेरे की फोटो या रात की फोटो या लो लाइट फोटोज बहुत अच्छी आएंगी। ये सेम चीज OnePlus ने भी किया था, OnePlus 5 में पहले ऐसा था, फिर OnePlus 5T में उन्होंने टेलीफोटो को हटा के बेटर लो लाइट 1.7 अपर्चर ला दिया था। अगर आप वो देखना चाहते हो, तो आप उसका कंपैरिजन देख सकते हैं। तो अगर मैं आगे बात करूं, तो बता दूं कि इसके अंदर ऑलरेडी कुछ स्पेकुलेशन थी कि इसका हार्डवेयर क्या होगा Mi 7 के अंदर, पर फोन ने क्या किया कि जो Xiaomi के जो CEO है, जिनका नाम है लियो जून, उन्होंने क्वालकॉम के अभी 845 प्रोसेसर के लॉन्च के दिन उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी कि वो अपने आने वाले प्रोसेसर में 845 का प्रोसेसर यूज करेंगे। जी हाँ, और वो डिवाइस होगा Mi 7। तो यानी कि Mi 7 इनडायरेक्टली ये Xiaomi का सबसे फास्टेस्ट फोन होगा, सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा। इस फोन के अंदर आपको 2GB का रैम मिल जाएगा, एक आएगा आपको 6GB का रैम और दूसरा आएगा 8GB का रैम, तो जिसकी वजह से आप चूज कर सकते हैं। और ये रन करेगा MIUI 9 मैंने खुद पर्सनल यूज किया, काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा अच्छा है, तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड्रॉइड 7.1 नुगट हो सकता है अगर ये अर्ली स्टार्टिंग में आता है, पर अगर थोड़ा टाइम लेके आता तो हो सकता है इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ओरियो मिल जाए, ज्यादा चांसेस यही है। Xiaomi की रिपोर्टेडली ये भी हुआ था कि ये 3D फेशियल रिकॉग्निशन पे काम कर रहा है, जो कि Mi 7 को अनलॉक कर देगा, और ये काफी एंटिसिपेटेड Xiaomi का है, क्योंकि ये Xiaomi ट्राई कर रहा है कि अपने Mi 7 के अंदर बिल्कुल एप्पल की तरह फेस आईडी वाला फीचर लेके आ जाए। काफी लोगों ने कहा कि इसके अंदर आयरिस स्कैनर भी होगा, पर इसमें या तो अगर आयरिस स्कैनर होगा तो फेशियल आईडी नहीं होगा, अगर फेशियल आईडी होगा तो आयरिस स्कैनर नहीं होगा। जी हां, मैं आपको बता दूं कि Xiaomi Mi 7 के अंदर आपको 3500 की बैटरी मिल जाएगी एमएच की, काफी लोगों ने कहा 4000 की मिल जाएगी, तो इसके अंदर 3 से 4.5 एमएच की बैटरी आपको मिल जाएगी, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, और इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि USB टाइप सी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से Xiaomi ने ज्वाइन किया था अभी वायरलेस पावर कंसोर्टियम, जो कि WPC कंपनी है। इसका मतलब ये कि Xiaomi के आने वाले ज्यादातर फोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग सिस्टम मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि Mi 7 जो होगा, ये डेब्यू करेगा WMWC 2018 में। MWC एक मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, जो कि काफी ज्यादा कंपनी अपने आने वाले फ्यूचरिस्टिक फोन को यहां पर डिस्प्ले करती है, तो हो सकता है कि आपको वहां Mi 7 Xiaomi की तरफ से आपको देखने को मिल जाए। अगर मैं बात करूं, तो ये इंडिया में कब तक आएगा अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, पर ये चाइना में आपको 2018 के जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कभी भी आपको मिल सकता है चाइनीज मार्केट में। मैं आपको प्राइस के बारे में बता दूं, काफी लोगों ने कहा कि ये आपको 26,000 का मिल जाएगा, काफी ने कहा 29,000 का मिल जाएगा, पर जितना मुझे पता है कि ये आपको 30,000 या उससे कम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो थी Mi 7 के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, और मैं Q&A करने वाला हूं नेक्स्ट वीक। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन है मेरे रिगार्डिंग या वीडियो के रिगार्डिंग आप डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर अपने आने वाले Q&A वीडियो में कवर करूंगा। तो आज इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।